Assalamualaikum students. Our today's topic is for 11th class. That is dinoflagellates. Protista. उसमें आगे ज़्यादा पढ़ा. Diatoms and decimates में आते हैं. Chrysophyta अब हम dinoflagellates पढ़ते हैं. Dinoflagellates belong to the class dinoflagellates. है क्या ये dinoflagellates? They are mostly marine. Mostly marine. Some live in freshwater also, but mostly they are marine. Second, photosynthetic. Photosynthetic. हमारे जो क्या आपकी बुक जो है NCERT दैट वो क्या रही है कि फोटोसिंथेसिस ही असल में जो है दे आर 50% ऑटोट्रॉफिक हेटेरियोट्रॉफिक आल्सो 50% आर हेटेरियोट्रॉफिक एंड 50% अबाउट 50% फोटोसिंथेसिस. क्योंकि किताब क्या रही है फोटोसिंथेटिक ही, इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. अदरवाइज आप ध्यान में रखना कि हेटेरियोट्रॉफिक बी. तीसरा, कलरफुल. Due to presence of different pigments, वो pigments क्या हैं? Red हैं, green हैं, blue हैं, बहुत सारे pigments. पिगमेंट्स क्या इनके अंदर है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है एंड जेंटोफिल्स. डायनोफ्लैजेलेट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अभी डायटम्स में पढ़ा था कि वहाँ पे डायटम्स का जो सेल वॉल है दैट कंटेन्स सिलिका. लेकिन ये डायनोफ्लैजेलेट्स जो है इनके अंदर क्या है कि ये अपने आप ऊपर बाहर एक कवच रखते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो कि इस तरह से होते हैं. अच्छी तरह से बनाने what are they there? Cellulose pellets. Cellulose के पैलेट हैं. इनके अंदर फ्लैजिला होता है. दो किस्म के फ्लैजिला हैं. एक
ये वाला फ्लाई जो है, और दूसरा ये वाला फ्लाई जो है, सेम लागी जुड़ना फ्लाई जो है कहते हैं, इन दो फ्लैजला के वजह क्या है, से क्या करता है, क्योंकि जो डायनोफ्लैजेट्स हैं ये मूव करते हैं, अगर हमें इनको यहाँ से मुंह से आप तक आना होगा तो ये सीधा नहीं चलते बल्कि घूम के चलते हैं, ऐसे फिर आते हैं ना, घूम के चलते हैं, देखो इस तरह से है ये दो फ्लैजला, इसलिए हैं ये घूमता है ऐसे 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 करके घूम घूम के नजदीक आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब क्या हमने कहा, दे आर मोस्टली मैरी, फ्रेश वाटर भी है लेकिन ज़्यादातर मैरी नहीं, फोटोसिंथेटिक है, अभी मैंने कहा किताब लिखती है फोटोसिंथेटिक, हालांकि ये 50% हेटरोट्रॉफिक भी है, कलरफुल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, बहुत सारे कलर इसके बनते हैं, रेड ग्रीन वगैरह पिगमेंट्स की, कौन सी पिगमेंट में मौजूद है, पिगमेंट्स आ गए, पिगमेंट्स क्या क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, जेंट्रोफिल हैं ये इनके, और ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कवर करके रहते हैं किससे, सेल्यूलोस प्लेट से, ये सेल्यूलोस प्लेट इनके कवच होती है जिसम को बांध करके रखते हैं, और इनके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेला, इन फ्लैजेला की वजह से जब ये मूवमेंट करता है, ये नॉर्मल मूवमेंट नहीं करता, घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह जाता है घूम घूम। अगर हम इसको डेस्मिट के साथ कंपेयर करेंगे तो डेस्मिट का सेल वॉल जो है दैट कंटेनर्स सिलिका, बट दिस कंटेनर्स सेल्यूलोस, इसी तरह वहाँ पे फ्लैजेला नहीं है तो यहाँ पे फ्लैजेला है, ये है इनके अंदर डिफरेंस है, वहाँ वो कलरफुल नहीं है, ये बहुत कलरफुल है। अब जो ये डायनो फ्लैजेलेट्स है ये क्या करते हैं, इनको हम एक नाइट लाइट भी कहते हैं, नाइट लाइट इसलिए कहते हैं कि इनमें इनमें एक फोटोजेनिक ग्रेन्यूल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, दे शो दिस बायोल्यूमिनेसेंस, किस वजह से, यानी बायोलॉजिकल लाइट देती है किस वजह से, फोटोजेनिक ग्रीन ग्रेन्यूल इनके साइटोप्लाज्म में होता है, और तभी हम इसको नाइट लाइट भी कहते हैं, रात के दौरान चमक। अब जहाँ तक इन डायनोफ्लैजेलेट्स का ताल्लुक है, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स जो शेलफिश होती हैं, मोलस्कस जिन्हें हम कहते हैं मोलस्कस, वो इसके प्रोड्यूस करने टॉक्सिन जो हैं मोलस्कस उनको अंदर एकॉमोडेट कर देते हैं, मोलस्कस इन डायनोफ्लैजेलेट्स से जो टॉक्सिन निकलते हैं मोलस्का जो हैं वो इन टॉक्सिन को अंदर अपने अंदर एकॉमोडेट करते हैं। उस बैच में जब उन मोलस्कस को फूड की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है तो वो टॉक्सिन इंसान तक पहुँचते हैं और वो फैटर बन सकते हैं, इंसान की मौत का बायस बन सकते हैं, वो इसके टॉक्सिन जो हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, फैटर हो सकते हैं और वो इंसान